हे व्हाट्सअप गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन लेकर गया हूँ। ये एप्लीकेशन गाइस लॉक स्क्रीन होने वाला। आपने बहुत सारे लोग लगाए होंगे स्क्रीन लॉक, लेकिन गाइस आपने फिंगरप्रिंट या फिर लॉक स्क्रीन में जैसे फिंगरप्रिंट लगाया होगा या फिर पिन लॉक या फिर पैटर्न लॉक, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना इसके अंदर गाइस होगा क्या, जब भी आप अपना नाम लोगे ना तो आपका जो फ़ोन है ना आपका जो फ़ोन है वो अनलॉक हो जाएगा। अब गाइस आप सोच रहे होगे भाई नाम लेने से फोन अनलॉक कैसे होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि गाइस अगर आप जब नाम लेंगे, जैसे अगर आप बाहर बैठे हुए हैं अपने फ्रेंड के साथ में और फिर आपको लॉक खोलना हुआ, तो आप अपना नाम जैसे लोगे ना तो उन सबके सामने आपका जो फोन अनलॉक होगा, तो आप सबसे बहुत ज़रूर पूछेंगे कि ये भाई हुआ कैसे और ये फोन अनलॉक कैसे हुआ। तो इस वीडियो में आप सब बिल्कुल एंड तक बने रहना, मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आप ये चीज़ अपने फ़ोन में कैसे ऑन कर सकते हैं और इस तरीके से कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस रेगुलर मिलते रहते हैं। तो गाइस अगर आपका नाम अगर आप लेंगे तो फ़ोन अनलॉक होगा, अगर आपका फ्रेंड वगैरह पे आपका नाम लेंगे ना तो आपका जो फ़ोन है ना एकदम से अनलॉक हो जाएगा और वो सब चौंक जाएंगे। तो गाइस आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जा करके इसको डाउनलोड कर लेना और वो आपको प्ले स्टोर पर लेकर चला जाएगा। तो गाइस इसके बाद में आपको करना क्या होगा, इसको आप ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में ना इसके बाद आप सबके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। इस तरीके का इंटरफेस आने के बाद में आपको थोड़ा वेट करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। हो सकता मैंने इसको पहले ओपन किया हुआ है, तो गाइस हो सकता है आप सबके सामने ये अलाउ वाली सेटिंग मांग ले, तो आप इसको सभी परमिशन अलाउ कर देना। इसके बाद में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ऊपर एक्टिवेट वॉइस लॉक स्क्रीन, ठीक है, आप इसको इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद आप इसको अलाउ कर लेना। अलाउ करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब जैसे आपको दिखाई देगा वॉइस पासवर्ड और एक दिखाई देगा आपको कीपैड पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद आपको सेटिंग वगैरह दिखाई देती है, लेकिन आपको इन दो चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। इसके बाद में ना आपको करना क्या होगा, आपको वॉइस पासवर्ड पे चले जाना है। वॉइस पासवर्ड पे जाते हैं, आपको एक एड आएगा सामने, ठीक है, आप इस एड को इग्नोर करना है। अब इस एड को इग्नोर करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा टेप ऑन माइक, मतलब मेरा अभी जो मैं रिकॉर्ड कराऊंगा इसके अंदर माइक यूज़ है, तो मैं अभी इसके अंदर रिकॉर्ड करके आपको बता नहीं सकता। और इस तरीके का इंटरफेस आप सबके सामने आएगा, जैसे अगर मैं मेरा लॉक अनलॉक करूँगा, जैसे मेरा फ़ोन को भी मैं लॉक कर दूँगा ना, तो गाइस फिर मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा और मैं आपको नहीं बता सकता। तो मतलब आपको करना होगा, आप सबके सामने भी इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको एक बार इस पर क्लिक करना होगा और अपना नाम लेना होगा, फिर आपको वापस से वही नाम दोबारा में रिपीट करना होगा कन्फर्म के लिए, फिर आपका जो लॉक है ना गाइस वो आपका जो मोबाइल में ये लॉक काम कर जाएगा। और इसी के साथ में इसके बाद में हो सकता है आपसे गाइस कीपैड वाला पासवर्ड भी मांगा जाए, जैसे अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट के साथ में दो लॉक मांगता है, तो इस तरीके से आपसे मांगा जाएगा। फिर आप जो अपना फ़ोन लॉक करके वापस आप इसको लॉक बटन दबाएंगे, तो आप सबके सामने इस तरीके का सेम इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहीं पर ही आपको अपना नाम लेना होगा, जिस भी नाम से आप, जैसे कि आप कुछ भी नाम लेंगे, अपना खुद का नाम लेके आप लॉक लगाएंगे ना, तो गाइस वो नाम लेते ही आपका फ़ोन जो अनलॉक हो जाएगा। आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि फ़ोन अनलॉक हो जाए या फिर इस तरीके का आप कुछ भी बोल लेना, तो ये उसी के अंदर आपका जो फ़ोन है ना आपका जो अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ना गाइस ये एप्लीकेशन काम करता है और आपको सिर्फ नेक्स्ट करके ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर गाइस आप इसको यूज़ करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो गाइस इतना था इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो रेगुलर मिलते रहते हैं।